22 साल से नियुक्ति के इंतजार में 14,580 बेरोजगार युवक बेरोजगारी से तंग आकर शिक्षकों ने सड़क पर किए जूते पॉलिश। पुलिस ने सीएम हाउस जाने से रोका तो करवा लिया मुंडन, कहा अब यही करके चलाएंगे अपना अपना घर। रायपुर की सड़क पर गुरुवार को शिक्षक जूते पॉलिश करते नजर आए, कहने लगे कि सरकार ने इन्हें रोजगार दिया नहीं, अब बेरोजगारी की वजह से घर चलाना मुश्किल हो गया है, इसलिए जूते पॉलिश करके दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करेंगे। प्रदेश भर से आए यह शिक्षक मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए निकले थे, रास्ते में ही बैरिकेडिंग कर पुलिस ने रोक लिया तो नाराज होकर वहीं मुंडन कराने बैठ गए। बीएड संघ के बैनर तले सड़क पर आए शिक्षक यह मांग करते रहे कि उन्हें जल्द से जल्द स्कूलों में नियुक्ति दी जाए। संगठन के प्रमुख दाऊद खान ने बताया कि लगातार सरकार इन्हें सिर्फ आश्वासन ही दे रही है, जिसकी वजह से यह प्रदर्शन करना पड़ रहा है। पुलिस के रोके जाने से नाराज शिक्षकों ने सड़क पर ही धरना देना शुरू कर दिया। इनकी जिद है कि जब तक सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं कर देती तब तक यह नहीं हटेंगे। सभी शिक्षक जल्दी से जल्दी स्कूल में नियुक्ति चाहते हैं, जिसे लेकर के वह प्रदर्शन कर रहे हैं। 2019 में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए सरकार ने 14,580 युवाओं को चुना, मगर अब तक नियुक्ति नहीं दी गई। करीब 2.5 साल से नौकरी दिए जाने की मांग की जा रही है। छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षित बीएड डीएड संघ संगठन के प्रमुख दाऊद खान ने बताया कि प्रदेश में 14,580 शिक्षकों का चयन हो चुका है, मगर भर्ती नहीं हो रही है। इससे पहले सभी शिक्षक किसी न किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर रहे हैं। सभी ने इस आस में नौकरी छोड़ दी कि उन्हें सरकार की तरफ से रोजगार मिलना था। अब कोई दूसरी नौकरी इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि ये उम्मीदवार चयनित हो चुके हैं। लॉकडाउन में सभी शिक्षकों की माली हालात और भी खराब हो गई है, मगर सरकार का अब तक इनकी ओर कोई ध्यान नहीं है, खाली आश्वासन बस दी जा रही है। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।